पति को शराब पीने से मना करना एक पत्नी को इतना महंगा पड़ गया कि उसे अपनी जान गंवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल झारखंड के पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझी टोला के रहने वाले पूनी मरांडी को उनकी पत्नी हुलूर मुर्मू ने शराब पीने से मना किया था। पूनी मरांडी को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने घर में रखे सिलपट, जिससे मसाला पीसा जाता है, उस बड़े पत्थर से अपनी पत्नी को कुचल कर उनकी हत्या कर दी। पत्नी के सर पर इतना जोरदार वार किया कि उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इतने से भी पति का मन नहीं भरा तो उसने पत्नी के चेहरे को बुरी तरीके से मसाला पीसने वाली पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी। घटना के बाद मांझी टोला गांव के ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना की पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। घटनास्थल पर पहुंची मुफस्सिल थाना की पुलिस ने आरोपी पति पूनी मरांडी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ग्राम कालिदासपुर मांझी टोला में एक लगभग 55 वर्ष की वृद्ध महिला की हत्या कर दिया गया। हम लोग इस सूचना पाकर वहाँ पहुँचे तो देखे कि उसके ही पति द्वारा दारू के नशे में मसाला कूटने वाला सिलवट से के पत्थर से माथा में कुछ के हत्या कर दिया है। उक्त व्यक्ति को हम लोग गिरफ्तार कर थाना लाए, उसको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पूनी मरांडी और हुलूर मुर्मू के बीच अक्सर शराब पीने को विवाद होता था। पूनी मरांडी शराब का इतना आदी था कि न सिर्फ घर वाले उससे परेशान थे बल्कि गांव के लोग भी परेशान थे। वो अक्सर शराब के नशे में धुत होकर किसी न किसी गांव वाले के साथ प्रतिदिन विवाद किया करता था। घर आकर अपनी पत्नी और घर के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट किया करता था। इसी बीच पत्नी के शराब पीने से मना करने समझाने पर आक्रोशित पूनी मराठी ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस प्रकार से एक पति ने अपनी पत्नी की पत्थर से कूच कूच कर हत्या कर दी, इस घटना की चर्चा पूरे गांव में हो रही है। लोग आरोपी पति को कठोर सजा देने की मांग पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। देशवाणी उसके लिए झारखंड से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।